नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आज का कम्युनिटी बाजार का अपडेट, शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज ज्योतिष के अनुसार आपका राशिफल कैसा रह सकता है, आज आपका दिन राशियों के हिसाब से कैसा रह सकता है, कम्युनिटी बाजार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और इसी के साथ साथ शेयर बाजार में कितनी हलचल की संभावना है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं एवं अखिलेश राठी जी। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मैं मुखातिब होता हूँ आज 1 दिसंबर 2021। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इस राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान, एग्रो कमोडिटीज के अंदर होने वाली विशेष हलचल एवं नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी और शेयर बाजार में कमाई के कहां होंगे मौके। जी अखिलेश जी, कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे राशिफल जानना चाहेंगे कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, आज किन राशियों में अच्छा मुनाफा लिखा हुआ है, लाभ कमा के चल सकती है और किन राशि को संभल कर रहना सही रहेगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, संभवतः आज आप कमाई के अवसर आपको अधिक मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 2, 6, 10 ये भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, यहाँ पर मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा सा सावधानी ये और अग्रसर हो सकते हैं, सावधानी आपको बरतनी चाहिए। 4, 8, 12 ये आज कुछ तकलीफ में रह सकती हैं, कुछ हाया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया। अपने सौदों को एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 4 से 5 बजे के बीच। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से आज का राशिफल जाना था कि किन राशियों में मुनाफा नुकसान लिखा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से कृषि फसलों के बारे में। कर्नल अजय जी, अब आपसे कृषि फसलों के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे कि आज कृषि फसलों का बाजार रहना बाजार कैसा रह सकता है। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आपसे सरसों और सोयाबीन से, तो आज सरसों सोयाबीन में कैसा रुख देखने को मिल सकता है और आगे सरसों सोयाबीन में कितनी मंदी तेजी रह सकती है। देखिए, आपको याद होगा मार्केट टाइम्स टीवी पर सबसे पहले सोयाबीन के अंदर आवाज उठाने वाली हमारा शो था, हमने यही कहा था कि जिस प्रकार 5,000 के लेवल पर सोयाबीन के ऊपर परेशानियां थी, सरकार आयात ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर रही थी, इंपोर्ट की बात कर रहे थे डीओसी वगैरह, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये उचित नहीं है। और देखिए, किसानों ने हमारी बात सुनी, स्टॉकिस्ट ने हमारी बात सुनी, उस पर ध्यान दिया और कुछ सप्ताह में सोयाबीन और सरसों के अंदर बड़ी तेजी दर्ज हुई, लेकिन एक तेजी के बाद मंदी भी देखी गई। देखिए, तेजी और मंदी एक सतत प्रक्रिया है और हमेशा से होगी। अब मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर आज तेजी की संभावना बनेगी, सरसों के अंदर भी धीरे धीरे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका प्रमुख वजह है अब धीरे धीरे खपत की और खपत यानी डिमांड इसकी इंक्रीज होती जाएगी। शादियों का सीजन बिल्कुल सर पे है और लगातार शादियां हो रही हैं, लगभग 25 लाख शादियों का सेलिब्रेशन अगले 2 से 3 महीने में होगा। इसके अतिरिक्त सोयाबीन की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी भाड़ा है वो भी 3 से 4 गुना हो गया है, इसका सभी का असर तिलहन पर पड़ेगा और मुझे लगता है कि तिलहन के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज सोयाबीन और सरसों में तेजी देखी जा सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय ने बताया कि सोयाबीन और सरसों में तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन का जो इस्तेमाल है ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसका असर तिलहन फसलों पर पड़ता नजर आ सकता है। कर्नल अजय जी के मुताबिक, एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी के मुताबिक सरसों और सोयाबीन में तेजी की संभावना अभी जारी रह सकती है। कर्नल अजय जी, इसी के साथ आपसे कपास खली के ऊपर जानना चाहूंगा। कपास खली में हमने हाल फिलहाल में वायदा में एकदम से तेजी आते हुए देखी है, पहले हमने सीमित दायरे में कारोबार देखा था, उसके बाद से हमने अचानक से तेजी आते हुए देखी है,
आपके अनुसार कपास खली में आगे कैसा रुझान रह सकते हैं, और क्या वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कपास खली को आगे तेजी की ओर लेके जाएंगे? देखिए, बिनौना खली या कपास खली के ऊपर कल भी हमने अपने शो में कहा था, हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कपास के अंदर कुछ कमियां, कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ इसके दामों के अंदर कुछ कटौती नजर आई थी, उसका प्रभाव कुछ कपास खली पर भी पड़ा। लेकिन देखिए, कपास खली एक महत्वपूर्ण पशु आहार है, पशु आहार है, और इस मौसम के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट भी अधिक होगी, तो कपास खली के अंदर तेजी की संभावना बनेगी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें पुनः मजबूती बनेगी, और इसमें कोई हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिनौला खली या कपास खली तेजी की ओर अग्रसर हो सकती है। जी अखिलेश जी, तो यानी कि बिनौला खल यानी कि कपास खली तेजी की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ सकती है। अभी ऐसा कोई हाल फिलहाल में फंडामेंटल बनता नजर नहीं आ रहा है जो बिनौला खल को नीचे की ओर लेके जाए, तो कनल अजय जी के मुताबिक बिनौला खल में आगे तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। कनल अजय जी, कपास खली के साथ साथ बात करें यहाँ से अगर कपास की, तो MCX कॉटन को हमने 34,000 से सीधे 30-31,000 के लेवल्स पर भी आते हुए देखा है। ऊपर से अब खबरें निकल के सामने आई है कि कॉटन का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है यानी कि जो वैश्विक उत्पादन है, उसके जो एस्टिमेशन है दिए गए थे पहले वो थोड़े कम दिए गए थे, अब उनमें बढ़ोतरी की गई है, यानी कि प्रोडक्शन का जो आंकड़े हैं वो अब थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं ग्लोबली, वैश्विक की जो उत्पादन है कॉटन का, और ऊपर से भारत में न्यू अराइवल्स भी हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कॉटन की कीमतें आगे क्या रह सकती हैं, क्या किसानों को अभी भी कॉटन में अच्छा मुनाफा मिल पाएगा? देखिए अखिलेश जी, कॉटन के अंदर आपने कहा कि जो जो उत्पादन के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल दर्शकों से भी है और सभी से है कि आंकड़ों के ऊपर आपका कितना महत्वपूर्ण विश्वास है। कॉटन के अंदर यदि आपने देखा होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर फ्रेश क्रॉप आती है, उस वक्त भी कॉटन के ऊपर बढ़ चढ़ कर आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, इतने लाख बेल्स हैं, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद कॉटन के अंदर लगभग 35-40% एक तरफा तेजी देखी गई थी। तो आंकड़ों का के ऊपर तो मेरा यही विश्वास, यही आपको कहना है कि आंकड़े आते हैं और आंकड़े आते रहेंगे, उन पे भी आप नजर रखिए, कोई 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 बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉटन, यदि आपको याद होगा, लगभग 3-4 महीने पहले हमारे एक विशेष इंटरव्यू मार्केट टाइम्स में था, तो हमने यही कहा था कि कॉटन इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ द कमोडिटी, जो ये सफेद सोना है ये सफेद सोना ही रहेगा। तो कोई बहुत बड़ी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कॉटन के अंदर हमें जो लगता है कि धीरे धीरे तेजी बनने की संभावना बनेगी, आज तो ये तेजी की रुख अख्तियार कर सकता है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसा कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि कॉटन किसानों के लिए सफ़ेद सोने से कम नहीं है, कॉटन किसानों के लिए सफ़ेद सोना ही बनी है और आगे भी बनी रहेगी, तो कॉटन में घबराने की बात नहीं है। कर्नल अजय जी के मुताबिक कॉटन में यानी कपास में आगे तेजी है और जारी रह सकती है। कर्नल अजय जी, अब आपसे सवाल प्याज को लेकर होगा। प्याज में हमने न्यू अराइवल्स भी देखी हैं, प्याज की फसलें खराब होती हुई भी देखी हैं और इम्पोर्ट भी होते हुए देखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी मंडियों में प्याज की कीमतों पर दबाव बनता नजर आ रहा है, तो क्या प्याज में आगे कुछ तेजी की संभावना बनती नजर आ सकती है, या फिर प्याज का बाजार यूं ही नरमी में सिमट के रह जाएगा? देखिए, प्याज के ऊपर आपको याद होगा, जब नई फसल थी उस वक्त लगभग 400-450 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्याज का भाव चल रहा था, और उस टाइम मार्केट टाइम्स और हमारा जो चैनल है उसमें अकेले हम लोग खड़े थे कि बाजारों के अंदर प्याज का कलेक्शन करना चाहिए, एक प्याज संग्रह करना चाहिए, और सरकार ने भी लगभग 2,06,000 मेट्रिक टन का एक बफर स्टॉक बनाया था। उसके बावजूद भी प्याज के अंदर एक तरफा तेजी देखी गई, और अक्टूबर के अंदर तो इसने एक रिकॉर्ड तोड़ वाली बात की, और लगभग 3,200-3,500-4,000 प्रति क्विंटल के भाव भी देखे गए। उसके बाद आपको याद होगा, फिर हमने लगातार कहा कि ये तेजी बन चुकी है, इसके अंदर मुनाफा वसूल करें, और उसके बाद लगातार ये प्याज के अंदर कमजोरी बन सकती है। तो प्याज के जितने भी किसान हैं, खासकर महाराष्ट्र के, वहां से ईरान से भी कुछ प्याज की इंपोर्ट हुआ है जी, कुल मिला के अब प्याज के अंदर कुछ जान बाकी नहीं है हमारी गणनाओं के आधार पर, और इसके अंदर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए कि जैसे जैसे दिन आगे चलते चलेंगे प्याज के अंदर की कीमतों में कटौती बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें प्याज के ऊपर आप दाव लगाना, उसके अंदर अधिक समय पर रुकना या बड़ा स्टॉक में रखना, ये शायद मुनाफे का सौदा ना रहे। एक और अहम बात, ये सभी जानकारियां हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर दे रहे हैं। नफा नुकसान
आपको स्वयं को देखना है, आपको स्वयं का अध्ययन करना है, ये विशेष बात है। ये अखिलेश जी जी, तो यानी कि प्याज की कीमतों में अभी और तेजी की संभावना नहीं है। कर्नल अजय जी की तरफ से प्याज किसानों का यही सलाह रहेगी कि ऊपरी स्तर पर बिकवाल कर दें, क्योंकि आगे अभी प्याज की कीमतों में और नरमी गहरा सकती है, तो नुकसान उठाने से अच्छा है आपको जो ऊपरी स्तर मिल रहा है प्याज का, वाजिब दाम मिल रहा है ऊपरी स्तर पर, अपनी प्याज को अभी निकाल दें, बिकवाली कर दें, उसी में ही भलाई है। कर्नल अजय जी, यहां से बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्योडिटीज की, तो हमने सोने चांदी की कीमतों में भी काफी ज्यादा उठापटक होते हुए देखा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन की तरफ से बयान निकल के सामने आ रहे हैं सोने चांदी की को लेकर और ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर, ऐसे में अब आगे सोने चांदी समेत अन्य नॉन एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रह सकता है? नॉन एग्री कम्युनिटीज में बुलियन में विशेषकर आज हम तेजी में रुख रखते हैं। चेयरमैन का भी बयान आ रहा है, टेम्परिंग की बात कर रहे हैं। कुल मिला के यदि हम फंडामेंटल देखें, टेक्निकल देखें, तो सोने के अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही है। परफेक्ट लेवल पर बाइंग, आप बाइंग करके चल सकते हैं जी। तो यानी कि एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक ज्योतिष के आधार पर कर्नल अजय जी को सोने चांदी में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पैंडेमिक के आसार होते हैं, पैंडेमिक वाली सिचुएशन बनती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तब तक सोने चांदी की कीमतों में एक सुरक्षित निवेश मांग निकल के सामने आती है और तब तब हम देखते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में तेजी आती है। तो कर्नल अजय जी की तरफ से सोने चांदी में आज मंदी की संभावना नहीं है। इसी के साथ कर्नल अजय जी, बात करें अगर यहाँ से शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज कैसा माहौल रह सकता है, कैसा रुख रह सकता है, और वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, और किन शेयरों से बच के रहना सही रहेगा? देखिए, शेयर बाजार के लिए आपको याद होगा कल के शो में भी हमने अपना पिछले शो में भी कहा था कि हैरान परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं, उसके अंदर भी बहुत सकारात्मक रूप की नजर आ रही है, जो कोविड का ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरियंट दिखाई दे रहा है, उससे भी कोई बहुत ज्यादा शेयर बाजार को प्रभावित जो होना था हो चुका है। अब कोई विशेष मुझे नहीं लगता है। आज फर्टिलाइजर है, मेटल है, हाउसिंग फाइनेंस है, इन फैक्टर्स पे आप नजर रखिए, खासकर लिकर स्टॉक्स पे भी नजर रखिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तेजी की संभावनाएं बन सकती है। और जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लगता है एचडीएफसी पर नजर रखिए आप, मारुति के ऊपर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की जो एचडीएफसी लाइफ है या आईसीआईसी लाइफ प्रूडेंशियल है या एसबीआई लाइफ है, इनके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर भी तेजी की संभावना बनती है, जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, एनएफएल है, इन सभी पे आपको नजर रखनी चाहिए, इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। जी अखिलेश जी जी, कर्नल अजय जी, तो कर्नल अजय जी, ये तो हमने बात करी थी अभी तक आज के राशिफल, कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार के बारे में। कर्नल अजय जी, जिस हिसाब से अफ्रीकी देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पैर पसारते नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कई देशों ने अमेरिका में फ्लाइट पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, अब कि अफ्रीकी देशों में कोई नहीं जाएगा, ना ही वहां से कोई आएगा। कर्नल अजय जी, इसका असर हमने बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार पर और शेयर बाजार पर भी पड़ता देखा था, लाखों करोड़ों का नुकसान निवेशकों को होता हुआ नजर आया था। आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, अब ओमिक्रॉन का असर कम्युनिटी बाजार और अन्य बाजारों पर कैसा पड़ता नजर आ सकता है? क्या एक बार फिर से पैंडेमिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी और उसका असर कम्युनिटी पर नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव? देखिए अखिलेश जी, बहुत अहम सवाल पूछा है कि ओमिक्रॉन का क्या प्रभाव कम्युनिटी और स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, कैपिटल मार्केट पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो स्थिति कोविड-19 के फर्स्ट और सेकेंड वर्जन में थी, उससे ज्यादा भयावनक मुझे लगता नहीं है। आप पूरा विश्व ऑलरेडी लड़ाई के लिए तैयार है, सारे प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं और तकरीबन जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो सारा मेडिकल फैसिलिटीज पूरा ऑलरेडी लाइनअप है,
तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशान इसकी होने की आवश्यकता है। जहां तक सवाल अफ्रीकन फ्लाइट के ऊपर है, वहां के बाशिंदों को रोक है, वो एक एहतियाती तौर पर रखना जरूरी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर कमोडिटीज पे पड़े मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, और खासकर तिलहन के ऊपर जो है वो मुझे तेजी नजर आते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार के ऊपर भी ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि निचले स्तर पर आप माल खरीद लें, और देखिए जब निफ्टी भी 18,400 से 18,500 से थी, वो भी ये लगभग 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हुई चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छे स्टॉक को खरीदना चाहिए और उस पर नजर रखना चाहिए। हर और परेशान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जी अखिलेश जी। जी तो जैसा कि हमारा एस्टो मनी ग्रुप कर्नल अजय जी ने बताया कि उनको कमोडिटी बाजार में इतनी मंदी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते भी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो भारत की और अन्य देशों की जो सरकारें हैं वो भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। ऑक्सीजन की जो किल्लत देखने को मिली थी अब वो भी धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आई थी, और अब हर एक हॉस्पिटल हर एक जगह पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, कोरोना की किट्स हैं, और जो आम जनता है जो पब्लिक है वो भी तैयार है, उनको भी अच्छे से पता है कि कोरोना अगर फैलता है तो क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरह से अपनी सेफ्टी रखनी है। और जैसे कि कर्नल जी ने बताया कि कमोडिटी बाजार में खास करके तिलहन फसलों पर इसका कोई असर इतना देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।